देश की राजधानी दिल्ली में जल्द ही उत्तर पूर्व के लोग दिल्ली पुलिस में शामिल होने जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के अनुसार उत्तर पूर्व के प्रत्येक राज्य में से 10 महिला और 10 पुरुषों को दिल्ली पुलिस में शामिल किया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि ये लोग दिल्ली पुलिस में शामिल होने की मिनिमम योग्यता रखते हों। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू खुद दिल्ली पुलिस के मुख्यालय पहुंचे और उन्होंने इसके लिए दिल्ली पुलिस का धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर दिल्ली में होने वाले अपराधों पर पुलिस तेजी के साथ कार्य कर रही है। दिल्ली पुलिस हैज रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री। इट इज बीइंग फेल्ट दैट नॉर्थ ईस्ट इज नॉट वेल रिप्रेजेंटेड। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज डिजायर्ड दैट नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऑल्सो शुड बी इंटीग्रेटेड इन टू दिल्ली फोर्स। That is why Delhi Police Commissioner has taken a very, very laudable initiative. Thereby, each state of northeastern state will be given 10 male, 10 female in Delhi Police from now onwards. दिल्ली पुलिस में जब नॉर्थ ईस्ट के लोग शामिल होंगे तो उससे न केवल पूर्वोत्तर के लोगों के खिलाफ अपराध में कमी आएगी, बल्कि भाषा संबंधी समस्या के कारण कई बार जांच में तेजी नहीं आ पाती थी। लेकिन अब जब वहीं के लोग पुलिस में होंगे तो पुलिस के लिए ये समस्या भी दूर हो जाएगी। देयर इज अ नीड फॉर फर्दर एनहांसमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दोज कम फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री एंड दैट इज व्हाई एज एन इमरजेंट मेजर वी हैव रिटन टू द आई हैव रिटन टू द कंसर्न डीजीज एंड ऑनरेबल एमओएस होम हैज वेरी काइंडली एग्रीड टू राइट टू द कंसर्न सीएम्स कि दे मे इन देयर ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस और इन एनी फोर्थ कमिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस सिलेक्ट 10 मेल एंड 10 फीमेल ईच फॉर रिक्रूटमेंट टू दिल्ली पुलिस। सरकार और दिल्ली पुलिस की इस पहल का पूर्वोत्तर के लोगों ने भी स्वागत किया है। उनका कहना है कि ये एक महत्वपूर्ण कदम है। नॉर्थ ईस्ट से आते हैं तो उसे पता है कि हमारा रहना बोलना दंग कैसा है, तो जब हमारे कुछ केस होंगे तो वो उसे समझ पाएंगे कि इसे किस तरह से करना चाहिए। तो उसे समझाने में जो कोऑर्डिनेशन दिल्ली पुलिस और जो हमारे नोटिस से दिल्ली पुलिस में आएंगे तो बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा कि हमारे केस को आगे ले जाने के लिए। दिल्ली पुलिस का ये एक दूरगामी फैसला है, इसे न केवल दिल्ली के लोग बल्कि पूर्वोत्तर के लोग भी आपस में एक दूसरे के नजदीक आएंगे। देश की राजधानी दिल्ली में उत्तर पूर्व के लोगों के खिलाफ जिस तरीके से अपराध होते हैं उसे देखकर दिल्ली पुलिस ने ये फैसला किया है कि अब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को दिल्ली पुलिस में शामिल किया जाएगा। पुलिस की माने तो नॉर्थ ईस्ट के प्रत्येक राज्य में से 10 महिला और 10 पुरुष कैंडिडेटों को अब जल्द ही दिल्ली पुलिस में शामिल किया जाएगा ताकि राजधानी में नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर जो अपराध होते हैं उनमें कमी आए, बल्कि नॉर्थ ईस्ट के लोग जो दिल्ली पुलिस में शामिल होंगे वो इन्वेस्टिगेशन को भी और तेजी से कर पाएंगे। कैमरामैन नायर के साथ नीरज सिंह, GD News, दिल्ली।